हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे स्केटिंग ऑफ लाइट, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है और ह्यूमन आई चैप्टर है हमारा, और ये फिजिक्स के अंदर आता है। तो शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्केटिंग ऑफ लाइट। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था हमारा सनसेट के बारे में, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर हम देखेंगे क्या होता है, फिनोमिना क्या होता है। तो यहाँ फिनोमिना होता है द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन टाइनी पार्टिकल्स और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बेसिकली ये बता रहा है कि एक फिनोमिना होता है ये, जो कि क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब जो लाइट पड़ती है किसी पार्टिकल के ऊपर, एटम के ऊपर, तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, तो उसे ही बोल रहे हो आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सिंपल। इसके अंदर एक इफेक्ट होता है टिंडल इफेक्ट, तो उसका नाम टिंडल इफेक्ट रखा गया है। तो इसका फिनोमिना भी देख लेते हैं। तो इट इज द फिनोमिना ऑफ ग्लोइंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। बेसिकली टिंडल इफेक्ट एक अलग पोर्शन रहता है, जो कि है ना इसके अंदर सिलेबस के अंदर नहीं शो हो रहा कि ये है या नहीं है, है ना। यहाँ हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, मगर ये शो नहीं हो रहा टिंडल इफेक्ट के होगा नहीं होगा। एप्लीकेशन इन डेली लाइफ रहेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। तो हम टिंडल इफेक्ट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना, इसकी डेफिनेशन तो पढ़ लें एटलीस्ट। ये गायब हो चुका है मगर पढ़ लेते हैं। तो इट इज द फिनोमिना ऑफ ग्लोइंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट, तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। तो होगा ये कि आपने कभी देखा होगा कि झरोके से एक बीम निकलती भी जा रही है ना सनलाइट की, तो उसके अंदर पार्टिकल चमक रहे होते हैं। तो बेसिकली वही टिंडल इफेक्ट है अगर कहें तो। आपने एग्जाम्पल देखेंगे कि टिंडल इफेक्ट इज सीन व्हेन फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर ए स्मोक फिल्ड रूम थ्रू ए स्मॉल होल, दस द स्केटरिंग ऑफ लाइट मेक द पार्टिकल विजिबल। तो इस वजह से जो पार्टिकल होता है ना वो विजिबल करते हैं। मतलब भाई कि स्मोक रूम है, उसके अंदर बाहर से कोई किरण आ रही है, छोटी सी लाइट आ रही है बीम, तो जैसे वो पार्टिकल के ऊपर पड़ेगी, स्मोक पार्टिकल पे पड़ेगी, वो जो रास्ता है ना वो चमकने लग जाएगा। तो उसे बोल रहे हैं हम टिंडल इफेक्ट। और एक और चीज है, जैसे व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट के अंदर तो छोटी छोटी बारीक जो बीम होती हैं वो हमें दिखती हैं टिंडल इफेक्ट की वजह से। तो टाइनी ड्रॉपलेट एंड अदर स्मॉल डस्ट पार्टिकल स्कैटर द लाइट ड्यू टू विच इट पाथ बिकम विजिबल। तो वहां फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो उस वजह से हमें टिंडल इफेक्ट दिखता है। अब एक और चीज है, द कलर ऑफ स्केटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द स्केटरिंग पार्टिकल। तो कलर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो स्केटरिंग लाइट हो रही है ना उसका कलर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो कलर डिपेंड करेगा साइज ऑफ द पार्टिकल, स्केटरिंग पार्टिकल। तो कौन से पार्टिकल के ऊपर पड़ी है, छोटे पे पड़ी है, बड़े के ऊपर पड़ी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर वेरी फाइन पार्टिकल स्केटर्ड मेनली ब्लू लाइट, तो बहुत बारीक जो पार्टिकल होगा ना वो ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, स्केटर्ड करेगा। वाइल पार्टिकल ऑफ लार्जर साइज स्केटर्ड लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो बड़ा साइज का जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, लॉन्गर वेवलेंथ मतलब रेड के आसपास वो पार्टिकल रिफ्लेक्ट करेगा लाइट, है ना, स्केटर्ड करेगा। तो ये चीज होती है। अब एक तो ये चीज हो गई टिंडल इफेक्ट की, इसका एक एक्सपेरिमेंट भी था जो कैंसिल हो गया है, हट गया है एनसीईआरटी से, मगर आप ये ध्यान रखें, एक तो सनलाइट कैनोपी के अंदर क्या हो रहा है और है ना कैनोपी दिखती है डेंस फॉरेस्ट में, दूसरा आप एक रूम के अंदर स्मोक जहां भरी हुई है वहां का एग्जाम्पल याद रखिएगा। और ये जरूर याद रखिएगा कि पार्टिकल का जो साइज है वो डिपेंड कर रहा है उसके कलर के ऊपर, बारीक पार्टिकल छोटा पार्टिकल ब्लू लाइट, बड़ा पार्टिकल रेड लाइट, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अब व्हाई इज द कलर ऑफ
दूसरा टॉपिक अपना है, व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। तो बेसिकली क्लियर स्काई का जो कलर है वो ब्लू क्यों होता है, तो क्या होता है, द मॉलिक्यूल ऑफ द एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल इन द एटमोस्फियर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ, ठीक है, ऑफ विजिबल लाइट। तो आपके पास जो एटमोस्फियर में जो पार्टिकल्स है ना उसके उसकी जो साइज है वो क्या होता है, छोटा हो जाता है, छोटा होता है बेसिकली वेवलेंथ से। किसकी वेवलेंथ है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ से। तो आपको पता है ये छोटा है तो क्या होगा, ब्लू। सो फाइन पार्टिकल स्केटर्ड लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लू एंड, शॉर्ट वेवलेंथ की रिफ्लेक्ट करेंगे लाइट और होगा वो कौन सा, ब्लू एंड की तरफ या फिर कहें ब्लू के आसपास या ब्लू। दस द सनलाइट पासेस थ्रू द एटमोस्फियर द फाइन पार्टिकल्स इन एयर स्केटर्ड द ब्लू कलर। तो जैसे ही एटमोस्फियर के अंदर वो टकराएगी हमारी लाइट तो ब्लू कलर या फिर शॉर्टर वेवलेंथ वाली जो कलर है उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होगी। और आई इज कंपेरेटिवली लेस सेंसिटिव टू वायलेट देन ब्लू। अब वैसे आपसे कहें कि भाई हमारी जो शॉर्टर वेवलेंथ है विबग्योर के अंदर, है ना, विबग्योर के अंदर ये तो हायर होती है रेड और ये शॉर्टर होती है तो वायलेट क्यों नहीं दिखाता, अगर हमारी जो आई होती है ना वो ज्यादा सेंसिटिव ब्लू कलर के लिए होती है इसलिए हमें स्काई क्या दिखता है, ब्लू। तो आप ये रीजन लिख सकते हैं कि भाई ये एटमोस्फियर में मॉलिक्यूल छोटे होते हैं बहुत और हमारा स्केटर्ड करता है जो स्केटर्ड जो पार्टिकल करता है वो ब्लू करता है क्योंकि पार्टिकल छोटे हैं, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ हमें लाइट मिलती है दिखती है तो ब्लू कलर इसलिए हमें दिखता है और सेंसिटिव है ब्लू कलर आईज। आईज इज कंपेरेटिव लेस सेंसिटिव टू वायलेट कलर और ब्लू की तरफ वो ज्यादा सेंसिटिव है इसलिए ब्लू कलर दिखता है। रेड लाइट है वेवलेंथ 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट। और एक और चीज है, रेड लाइट जो है वो 1.8 टाइम ग्रेटर है उसकी वेवलेंथ ब्लू कलर के, तो इसलिए भी हमें वो नहीं दिखता, ब्लू की जगह लाल। और एक और चीज है हम के भाई वाई डज स्काई अपीयर डार्क इंसीड ऑफ ब्लू टू एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट जब ऊपर जाते हैं तो उन्हें डार्क क्यों हो जाता है, काला क्यों हो जाता है स्काई, है ना, ब्लू रहना चाहिए था। तो उसका आंसर ये है कि भाई एट हायर एल्टीट्यूड जब ऊपर चल जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड एयर मॉलिक्यूल द सनलाइट नॉट स्केटर्ड। तो वहां ऊपर क्या होता है, डस्ट पार्टिकल नहीं होते, एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होते तो लाइट स्केटर्ड ही नहीं होती। जब लाइट स्केटर्ड नहीं होती तो आपको जो स्काई है वो ब्लैक दिखता है, तो ये चीज है, ठीक है। मतलब अगर पार्टिकल्स ना होना तो हमें भी क्या दिखे, ब्लैक दिखे स्काई, जैसे एस्ट्रोनॉट को दिखता है। अब एक और चीज पूछी जा रही है कि वाई द डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड इन कलर, रेड कलर की क्यों होती है, डेंजर का सिग्नल जो होता है ना हमारा, जैसे स्ट्रीट लाइट होती है वो डेंजर की होती है रेड, तो वो क्यों होती है, तो रेड इज लीस्ट स्केटर्ड, तो स्केटर्ड नहीं होती, लीस्ट स्केटर्ड होती है फोग और स्मोक से। फोग और स्मोक होगी तो क्या होगा, लीस्ट स्केटर्ड होगी रेड लाइट, और रेड लाइट जब लीस्ट स्केटर्ड होगी तो क्या होगा, देयर फॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एज ए डिस्टेंस, तो वो दूर से दिख जाएगी हमें, तो इस वजह से रेड कलर स्केटर्ड नहीं होता, तो हमें स्केटर्ड नहीं होने वाली चीज डेंजर एरिया के अंदर लगा देनी चाहिए ताकि दूर से लोग बाग देख के और पीछे हट जाए। तो अब ये जो पोर्शन है ना कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये सिलेबस के अंदर नहीं है मगर हम फिर भी देख लेते हैं, इस बार सिलेबस में नहीं है। तो आपने सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे आपने देखा है सन लाल दिखे हो जाता है या येलो हो जाता है डार्क। तो होता ये है कि जब ऊपर होता है सन ऑब्जर्वर के बिल्कुल सामने ऊपर होता है तो क्या है, वहां से क्या होता है कि जो स्केटरिंग होती है ना वो कम होती है क्योंकि डिस्टेंस कम होती है, स्केटरिंग कम होती है, तो हमें जो ब्लू लाइट है ना ब्लू लाइट वो दिख जाती है। क्यों दिख जाती है, क्योंकि ब्लू है ना स्केटर्ड कम होता है, ठीक है। और यहां पे है ना
ब्लू स्केटेड ज्यादा होता है कहां पे, होरिजन के उधर, जब दूर होता है सन ऑब्जर्वर के तो ब्लू स्केटर्ड हो जाता है क्योंकि दूर से आती है रोशनी, तो जब स्केटर्ड हो गया हट गया तो बचेगा कौन सा कलर, रेड कलर बचेगा। तो रेड कलर इसलिए यहां से दिख जाता है। यहां क्या होता है, टॉप के ऊपर डिस्टेंस कम होती है तो आपका ब्लू कलर लेस स्केटर्ड होता है, तो आपको आराम से जो सन है वो आपको सफेद दिखता है या थोड़ा लाइट पीला दिखता है। और हमारा जो सन यहाँ पे होरिजन के टाइम पे या फिर उगता है या फिर डूबता है नियर होरिजन, वहां आपको रेड दिखता है। वो यूं दिखता है क्योंकि ब्लू स्केटर्ड होता है ज्यादा और रेड स्केटर्ड कम होता है, लेस होता है, ठीक है, ये रीजन होता है। तो ये भी आप है ना पढ़ सकते हैं कि लाइट फ्रॉम द सन नियर द होरिजन पासेस थ्रू थिकर लेयर ऑफ एयर एंड लार्जर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमोसफियर फॉर रीचिंग अवर आइज। लाइट फ्रॉम द सन ओवर हेड वुड ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस एट नून, द सन अपियर वाइट एज ओनली ए लिटिल ऑफ द ब्लू एंड वायलेट कलर आर स्केटर्ड नियर द ओरिजन ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्केटर्ड अवे बाय द पार्टिकल, देयर फॉर द लाइट दैट रीचेज अवर आइज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ दिस गिव राइज टू द रेडिश अपियरेंस ऑफ सन। ठीक है, तो ये इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया, तो आप यहाँ तक अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब आप ध्यान रखें कि न्यूमेरिकल का कुछ भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट के अंदर या कैसे भी करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।